जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपको बताएंगे पुलिस कनेक्टेड सर्टिफिकेट के मुतालिक और ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे पहले इसमें जो चीज़ हम है वो है पुलिस कनेक्टेड सर्टिफिकेट, जो कि एक इंतहाई डॉक्यूमेंट्स है। आपने कहीं भी बिरूने मुल्क मूव करना है तो उसके लिए आपको पुलिस की तरफ से जो है वो पुलिस कनेक्टेड सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी बिरूने मुल्क मुकीम हैं तो आपको वहाँ पे नेशनैलिटी वगैरह या कुछ काम करने के लिए वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि अपने कंट्री का आप हमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो उसको हासिल करने का क्या तरीकाकार है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, सबसे पहले इसमें चीज़ मेंशन की गई है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के पहले उसका लर्नर बनता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, लेकिन आप पहले जो 42 डेज हैं उसमें आप बतौर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कोड होते हैं, वो 42 डेज जो है वो गुजारने के बाद आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आगे आप चल के देखते हैं। ये सबसे पहली जो स्लाइड है इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन, कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज पिक्स चाहिए, एक वैलिड CNAC आपका होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक एफिडेविट इसमें अपनी तरफ से हमने प्रोवाइड करना है, और इसकी प्रोसेस फी है वो तकरीबन 350 है आजकल। इसमें आपका जो है ना खुद विजिट करना ज़रूरी होता है पुलिस खिदमत मरकज़ में, और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, पुलिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक फाइनल लेआउट है कि इस तरह का आपको जो है ना कंप्यूटराइज्ड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इन केस अगर आप अब्रॉड जो ऑलरेडी जो आप बाहर मुकीम हैं तो वो 2 चीज़ें, एक तो आप वहाँ की मुतलका एम्बेसी में जाके बनवा सकते हैं, अगर एम्बेसी आपसे दूर है तो आप ये चीज़ें जो आप अपने ब्लड रिलेशन को भेजेंगे वो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करके आपको वापस भिजवा सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, 2 पासपोर्ट साइज पिक्स हैं, आपका वैलिड CNAC हो, वैलिड आपका पासपोर्ट हो, और इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो 30 लेटर है जो आपने अपने ब्लड रिलेशन के नाम पे भेजना है, तो वो आपका पासपोर्ट सर्टिफिकेट हासिल करके आपको वापस भिजवा सकता है। ये कुछ एम्बेसीज के नाम मैंशन किए हैं जहाँ में आप बरूने मुल्क बैठे हुए वहीं एम्बेसी से जाके अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले USA है, उसके बाद तुर्कमानिस्तान है, वियतनाम है, तुनिसिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के 20-22 कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सहूलत ऑलरेडी दी जा चुकी है। उसके बाद सबसे पहले जो है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए। इसके लिए आपको एक वैलिड CNAC कापी चाहिए, टिकट है 60 रुपये की, जितनी आप कैटेगरीज बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको वो एक टिकट जो है ना ऐड करनी पड़ेगी। फर्स्ट करें आप मोटरसाइकिल का सिर्फ बनवाते हैं तो आपको 60 रुपये की टिकट चाहिए, साथ में अगर आप उसके ऐड कर लेते हैं मोटर कार तो एक मजीद 60 रुपये की चाहिए टिकट। इस तरह जितनी आप ऐड करते जाएंगे उतनी वो आपको सी टिकट जो है ना शामिल करनी पड़ेंगी। ये लर्नर 6 मंथ के लिए होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर जो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। और जिनकी एज 50 साल से कम है उनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर मेडिकल के उनका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस हम बनाएंगे। आगे ये एक तस्वीर हमने शो की है जो कि एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की है। आगे आपको एज एक मैटर करती है, मोटरसाइकिल मोटर कार के लिए आपकी कम से कम 18 ईयर एज होनी चाहिए। LTV वगैरह का आपने कमर्शियल सेंस बनवाना है तो उसके लिए आपकी कम से कम 21 ईयर एज हो, HTV के लिए आपकी 23 एज हो। आगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर बनवाने के बाद जब आपने अपना लाइसेंस ड्राइविंग बनवाना है तो आप टेस्ट वगैरह पास कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जिसमें आपका जो लर्नर जो आपने लर्नर बनवाया था पहले ड्राइविंग लाइसेंस वो चाहिए होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज पिक्स होंगी, आपका वैलिड CNAC होगा, और ये ड्यूज हैं कि आपने इतने ड्यूज जो जमा करवानी है, तो विदन जो है ना 1 to 2 मंथ 2 वीक्स आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस बन के आपके एड्रेस पर आ जाएगा। एक फाइनल तस्वीर है जिसको जो कि एक फाइनल शो कर रहे हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस।
इसके अलावा आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास वैलिड जो वीज़ा होना चाहिए और वैलिड जो यहाँ का ये ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास पाकिस्तान का, फिर आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो वो बन जाएगा। डुप्लीकेट लाइसेंस वो है अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इनकेस गुम हो गया तो आप जो है वो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको CNSC कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ्स हो, लास्ट रिपोर्ट चाहिए, FIR नहीं, इसमें लास्ट रिपोर्ट आपको चाहिए होती है कि जिसमें आप क्या बताते हैं कि मेरा गुम हो गया, वो गुमशुदगी रिपोर्ट होती है, वो आपने साथ में ऐड करनी है और ये ड्यूज हैं वो आपने अदा करने। अगर आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, रीन्यूअल आपने उसको 5 साल के उसकी डेट होती है, 5 साल के बाद आपने उसको रीन्यू करवाना होता है। रीन्यू के लिए आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपका पुराना होना चाहिए, CNSC की पिक है और फोटोग्राफ्स हैं, ये नॉर्म, उसके अलावा जितनी इसके आगे बताई गई है जितनी फीस है वो आपने पे करनी है।